नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। एक बार फिर से आज हमारे साथ पवन बाबा जुड़ने वाले हैं, बताने वाले हैं कि भाई क्या नया करने वाले हैं और क्या क्या नया करने की तैयारी चल रही है। बाबा का पहले स्वागत करते हैं। चलिए, प्रणाम नमस्कार। जितने लोग देख रहे हैं आपके मनचाहा न्यूज को, सबको नमस्कार है, प्रणाम है, आपका भी वेलकम है। बहुत दिन बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या नया करने वाले हैं। देखिए, अभी तो आपके हाथ में नया लग रहा है, ब्याह के बाद अंगूठी चमक रहा है। और नया क्या करना है भाई, हम लोग जो गीत संगीत करते हैं वही करेंगे। और अभी लोकगीत हमारा हो सकता है कि जल्दी छूटेगा। जब जब आप लिखते हैं तो लिखने की बड़ी तारीफ होती है, अभी कुछ दिनों से आप दिख नहीं रहे हैं, बहुत कम आपके गाने आ रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या वजह है? लिखे ही नहीं थे तो लिख नहीं रहे थे तो हम जाए देखिए, कंटेंट पे हम ध्यान देते हैं। और वैसे आपको ऐसा नहीं है कि कंटेंट काउंटिंग कराना है, काउंटिंग कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, भीड़ में अकेले दिखिएगा तो अलग आपका पहचान बनेगा, और भीड़ के साथ चलिएगा तो आपका पहचान नहीं बनेगा। हम बस अपने पर भरोसा करते हैं कि हमारा साल में एक ही गाना है, लेकिन आए तो चर्चा में। सीज़न पे कब्जा रहता है, चाहे वो कोई भी सीज़न हो या फिर वो छठ पूजा की कह ले, दशहरा की कह ले या लोकगीत की, लेकिन अभी फिलहाल इधर कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो सीज़न अभी देवघर का बीता है, उसी देवघर में नहीं लिख पाए थे हम, थोड़ा सा व्यस्त भी थे, हमारे घर नए मेहमान का आगमन भी हुआ है, उसी में व्यस्त थे। लेकिन देवी गीत हमारे, हम भक्त हैं माता रानी के, वो देवी गीत जरूर आएगा। भैया, सबसे ज़्यादा एक सवाल जो परेशान किया हुआ है, शायद मेरे पास जवाब उसका आपकी आप ही के पास है, डोली में गोली मार दे 3 की लगातार, जो फैंस पूछ रहे हैं आपके लिए स्पेशल, मैं क्वेश्चन भैया से कर रहा हूँ। भैया बताइए हमारे दर्शकों को कब लेकर आ रहे हैं। नहीं देखिए, डोली में गोली मार दे 3 का सही में इंतज़ार बहुत दिन हो गया, और किसी भी गाने का इंतज़ार इतना दिन नहीं होना चाहिए था। लेकिन और मेरा सौभाग्य है और लोगों का प्यार है कि आज 6 साल से लोग डोली में गोली मार दे 3 का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब जब मैंने बोला है डोली में गोली मार दे के लिए, मेरे फेसबुक का फॉलोअर बढ़ा दीजिए, मेरे गाने को 200 मिलियन कर दीजिए, तो लोगों ने किया है। अब इसके लिए मैं तो आजीवन ऋणी रहूँगा अपने दर्शकों का। लेकिन मैं बता दिया था पहले कि जब जैसे ही मामला शॉर्ट आउट होगा और सारे गाने आने लगेंगे, उस समय ये गाना छूटेगा। और डोली में गोली मार दे 1 भी आपको नवंबर में छूटा था, 2 भी नवंबर में छूटा था, तो 2 महीना बाद नवंबर आने वाला है, सितंबर और अक्टूबर के बाद, तो नवंबर में इस गाने को छोड़ेंगे और कंफर्म है कि छूटेगा नवंबर में। क्या कुछ उसमें नया म्यूज़िक या फिर लिरिक्स को कुछ उस तरह से भुना कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा नए पैटर्न के लोग सुनना पसंद करते हैं? हाँ देखिए, क्या है कि डोली में गोली मार दे 1 और 2 जो था, वो आज 5-6 साल पहले का जो लोगों को सुनने का नज़रिया था और देखने का नज़रिया था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा अभी, क्योंकि अभी सैड सॉन्ग का भी थोड़ा सा अलग पैटर्न हो गया है। लेकिन हमारा ओरिजिनल शुद्ध सैड सॉन्ग होता है, ऐसा नहीं कि डीजे डुक चुक वाला सैड सॉन्ग होगा। सैड सॉन्ग वही होगा जैसे आप लोग डोली में गोली मार दे 1 में सुने थे, 2 में सुने थे। वास्तव में सुनने के बाद आदमी का इमोशनल हो जाता है, तो इस टाइप का ही आपको 3 में भी मिलेगा। और मेरा गाना नहीं, वो समझिए कि वेब सीरीज है, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 फिर पार्ट 3। ये स्पेशली क्या आपके अंदर है कि लोग आपको ढूंढते हैं, इतने सारे सवाल लगातार आ रहे थे कि पवन बाबा से मिलिए, गाने के बारे में पूछे, क्या आपकी वो लिरिक्स में कुछ वैसी खासियत रहती है जिसे पब्लिक इतना परेशान रहती है आपको ढूंढना चाहती है? देखिए, अब तो मुझे पता नहीं है कि मेरे लिरिक्स में क्या खासियत रहती है, वो पब्लिक का माइंड मूड है। और लोग जब देखते हैं लगातार गाना, किसी स्टार को चाहते हैं, किसी भी गाने को पसंद करते हैं भोजपुरी वाले, जब उनको गाने से संतुष्टि नहीं मिलती है तो उनको याद आती है किसी न किसी के, वो हम हो चाहे कोई भी राइटर हो, जिस राइटर को लोग पसंद करते हैं, और जिस राइटर का गाने आने के बाद वास्तव में लोगों को लगता है कि नहीं ये गाना है, तो कोशिश करना चाहिए। और ये भगवान की कृपा है, हनुमान जी की दया है कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, कि हमारे जब भी गाना आते हैं तो लोग सुनते हैं। दशहरा आने में भी बहुत टाइम है भैया, उसके बीच में 1 महीने का समय अंतराल है, क्या कुछ लोकगीत आप इस बीच में देने वाले हैं? हाँ, लोकगीत 2 शूटिंग हुआ है खेसारी जी का, और अब देखिए कब रिलीज करेंगे वो लोग, हो सकता है बीच में रिलीज करना है तो कर देंगे, और नहीं तो फिर तो देवी गीत से हमारा गाना आना ही है। भैया, पवन सिंह की आई नहीं एक अच्छी हिट्स कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के, आप सीनियर राइटर में से हैं, क्या कुछ देख रहे हैं अपने नज़रिए से किस तरह से इसके हिट होने के बाद क्या भोजपुरी को कुछ फ़ायदे होने वाले हैं, भोजपुरी के लिए कुछ एक अच्छा कह सकते हैं कि होने वाला है? ज़रूर, देखिए किसी भी भोजपुरी किसी भी कलाकार का फिल्म अगर हिट होती है तो उससे भोजपुरी को ही फ़ायदा है, क्योंकि सिनेमा घर तक जो पब्लिक नहीं जा रही थी, उस पब्लिक को अगर सिनेमा घर तक कोई सिनेमा खींच के ला रही है तो ये भोजपुरी के लिए सौभाग्य की बात है, और ज़रूर इसका इफेक्ट भोजपुरी पर पड़ेगी। और नेक्स्ट फिल्म जो भी किसी भी कलाकार का छूटेगा अच्छी होगी तो ज़रूर चलेगी।
आई नहीं आपने सॉन्ग सुना था? हाँ वो थी वो स्त्री टू वाली, हाँ वो सुने थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा गाना लगा। क्या जब आपको कभी मौका मिले बॉलीवुड से कोई गाना भोजपुरी का लिखने का, तो किसके लिए आप लिखना चाहेंगे? भोजपुरी से तो बॉलीवुड के लिखने के लिए मौका मिला तो बॉलीवुड डिसाइड करेगा ना किससे गाना है तो हम तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए लिखेंगे। सूर्यवंशम इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर है, पवन जी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस। आज तीसरा दिन था, पहला शो का कह सकते हैं 60% से ऊपर की उपस्थिति देखी गई, तो क्या कहेंगे भैया कि एक अच्छी साइन है कि दर्शक अब थिएटर तक पहुंच रहे हैं? सही, मैं तो वही बोला ना कि भोजपुरी का अगर कोई फिल्म दर्शकों को लुभा रहा है, दर्शकों को बुला रहा है अपने पास, तो समझिए कि भोजपुरी के लिए शुभ संकेत है और ये अच्छी चीज़ है। किसी भी कलाकार का फिल्म चलना चाहिए ताकि भोजपुरी का मान सम्मान बना रहे। एक सवाल जो अपने दर्शक और अपने तरफ से पूछना चाहेंगे भैया, क्योंकि आप यहाँ के वरिष्ठ राइटर में से हैं, भोजपुरी में पारिवारिक मामले आए दिन सोशल मीडिया पर काफ़ी हावी रहते हैं, और आपने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर एनालिसिस करते हैं, इस पर क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में होना ये सब सही है या फिर इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कुछ रोकना चाहिए? यानी शुरू से हम बोलते हैं किसी के परिवार पर कमेंट नहीं करना चाहिए, हर का अपना फैमिली है। देखिए हम गीतकार हैं लेकिन हमारा भी अपना जीवन है, हम अपना भी अपना शैली है, हमारा अपना परिवार है, तो किसी के फैमिली के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। और जब हम ही एक दूसरे के फैमिली पर कमेंट करेंगे तो फिर दूसरा क्यों नहीं करेगा। जैसे कि देहात में कहावत तो कहा जाता है कि घर फूटे तो गंवार लूटे, तो घर फूटे के ना चाहें, घर जूटे के चाहें। भैया क्या कहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों से, स्पेशली डोली में गोली मार दे तीन, और दूसरा कि क्या अपकमिंग अपडेट है आपका? देखिए जितने लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप कमेंट में बताइए कि डोली में गोली मार दे नवंबर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट रहेगा तो मैं इनसे एक न्यूज़ बनवाऊँगा कि नवंबर में किस डेट को डोली में गोली मार दे 3 आएगा। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखिए, मेरा लोकगीत शूटिंग हो चुका है, अब छूटेगा दशहरा के पहले या दशहरा के बाद, लेकिन देवी गीत से मेरा गाना लगता रहेगा। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन बाबा से आखिर में हमने वो सवाल कर ही दिया, डोली में गोली मार दे तीन, और उसकी एक्सक्लूसिव अपडेट भी मिल गई है, पूरा वीडियो देख लिए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बाबा का म्यूज़िक कैसा आप चाहते हैं, ताकि हम फिर नेक्स्ट मिले और फिर सवाल करें। नमस्ते।